बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ वाइट सॉस, जो कि बहुत ही आसान है और तकरीबन ये सामान हमारे घरों में मौजूद होता है, उससे वाइट सॉस हमारा बन जाता है और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, और इसको बना के आप सेव भी कर सकते हैं। चले जी, अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, एक बात फिर बता दूँ कि मैं जो अगली रेसिपी बनाऊँगी उसके अंदर मेरा ये सॉस यूज़ होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो अगली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आप उसको देखें। और आप देखिएगा मैं अगली वीडियो क्या बनाती हूँ। मैं आपको वाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले उसका सामान बता देती हूँ। ये मिक्स हर्ब है, आधे चमचे के करीब होगा, आधा चमचा चाय वाला ये नमक है, और आधा चमचे चिली फ्लेक्स है, और आधा चमचा काली मिर्च है, और दो चमचा हमारा ये मैदा है। और ये जो मिक्स है बता रही, मैं अलग अलग रख के मैंने इन तीनों को मिला के आधा चमचा किया है। आप सिर्फ ओरिगानो भी डाल सकते हैं। और 1.5 कप हमारा दूध है, और ये मक्खन जो मेरा घर का बना हुआ है, ये मैं तकरीबन 3 से 3.5 चमचे में ये मक्खन लूँगी। चले जी, अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम मक्खन निकाल लेंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं हो तो आप जो हम घर में ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। चूल्हे पे मैंने मक्खन चढ़ा दिया है, अभी हमारा पिघल जाएगा। अच्छा, इसमें मक्खन या मैदे से डबल डालने का यही होता है ताकि ये हमारा हलवे की तरह गुठले ना बन जाए, हमें ये लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है। अभी जो मैदा है ये भी हम इसके अंदर, ये देखें, अभी जो मैदा है ये भी हम अपने मक्खन में डाल देंगे। अच्छा, आँच हमने बिल्कुल हल्की रखी है, अब हम इसमें आराम आराम से दूध ऐड करेंगे और ये हमें मुसलसल चलाना है। अब ये पूरा दूध हमने इसमें डाल दिया अभी, और आधा कप अभी हमने बचा लिया है। इसको मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि हमारा जो है ना इसमें गुठलियाँ ना बने और ये हमारे लगे ना नीचे। अभी देखिए हमारा ये जो व्हाइट सॉस है ये हमारा गाढ़ा होने लग गया है, ये गाढ़ा हो रहा है, तो ये जो बाकी का दूध है आधा कप ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये देखिए व्हाइट सॉस पास्ता हमारा गाढ़ा हो गया, हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम जो मसाले मैंने निकाले थे वो डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, ये देखिए ये मिक्स हर्ब है, काली मिर्च, और ये नमक। अब इन सबको डाल के हम मिलाएंगे। कोई ऐसी रेसिपी बना रही जिसके अंदर चीज़ की ज़रूरत है तो हम इसके अंदर चेडर चीज़ डालेंगे, मोजरेला नहीं, ना पिज़्ज़ा चीज़। वैसे हमारी वाइट सॉस तैयार है, क्योंकि अब हमें इसको गर्म है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे अब ज़्यादा, और हम इसका कर देंगे चूल्हा बंद। व्हाइट सॉस मेरा रेडी हो गया। बहुत आसान सी रेसिपी थी, आपने देखी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। आइंदा मिलेंगे इसी के साथ बहुत आसान सी अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।